शहर में अमन कायम रखने के साथ ही आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने के उद्देश्य से मुरादाबाद थाना कटघर इलाके की चौकी 10 सराय स्थित एक मैरिज हॉल में कटघर क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें थाना कटघर क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग और सभी धर्मगुरुओं के साथ संभ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे, जिसमें ईद के त्यौहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। बैठक में इलाके के लोगों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है। इस मुल्क में रहने वाले सभी मजहब के लोग एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं, यही हमारे मुल्क की पहचान और शान है। लेकिन कुछ शरारती तत्व हमारे इस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे शरारती लोगों पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनको सजा देने का काम करे। इस मौके पर एसपी सिटी ने मुंशी प्रेमचंद की उस कहानी को बयां किया, जिसमें एक बेटा जिसका नाम हामिद है और वो ईद मेले में से ईद की खरीदारी के लिए पाई पाई जोड़ता है और जब ईद का वक्त आता है तो अपनी माँ के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और माँ से कहता है कि माँ रोटी बनाते वक्त तेरी उंगलियाँ जल जाती हैं, मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं तेरे लिए चिमटा खरीद लाया हूँ। जिसके बाद एसपी सिटी ने सभी को ईद के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की और कहा कि अगर कोई भी ईद के त्यौहार पर अराजकता फैलाता है उनकी गुप्त सूचना पुलिस को दें। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। मैं मोहम्मद अयूब सैफी, भाजपा अलसर मोर्चा, जिला मंत्री महानगर। आज जो हमारी मीटिंग रखी गई, ये थाना कटघर क्षेत्र दसराय पुलिस चौकी की जो संभ्रांत नागरिक थे उनके साथ रखी गई, जो आगामी जो त्यौहार है हमारे ईद और अक्षय तृतीया, ये दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, इसको लेकर आज हमारे SP City CO साहब और थाना कटघर प्रभारी और दसराय चौकी इंचार्ज साहब, इनके साथ सभी सम्मानित नागरिकों की मीटिंग रखी गई। इन्होंने सब ने अपने सुझाव रखे, बोले दोनों त्यौहार हम एक साथ मिलजुल कर मनाएं। मैं सब बात अपने महानगर वासियों को सबको ईद की आगामी दोनों त्यौहारों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने अपने क्या विचार रखे? मैंने ये विचार रखे अपना दोनों भाईचारे से अपनी त्यौहार मनाएं, एक दूसरे के स्वार्थपूर्ण रखें, क्योंकि हमारे भाईचारा की ये मुराद में कभी कोई लाई दंगा किस तरह का नहीं हुआ, हम आपस में भाईचारा रखें। ये आज यहाँ चौकी दसराय क्षेत्र में, करोड़ा क्षेत्र में, यहाँ हम लोगों ने आज ये मीटिंग रखी थी। इस क्षेत्र के सभी मौजूद लोग इसमें शामिल हुए और जो आगे आने वाले त्यौहार हैं ईद और अलविदा की नमाज, सबको लेके हम लोग बात हुई यहाँ पर। बहुत अच्छी खुशनुमा माहौल में ये मीटिंग हुई और सभी लोग इसमें, सभी ने पार्टिसिपेट किया है, उन लोगों की बातें जानने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मीटिंग हम लोग आके इसी चौकी क्षेत्र में किस करेंगे और यहाँ आज मीटिंग हुई है ये, और सभी लोगों की बातें हम तक आई हैं और हम लोग जो भी व्यवस्थाएँ जैसे करते रहे हैं वो व्यवस्थाएँ करेंगे और बहुत अच्छी तरह से आगे आने वाले त्यौहारों के समय हम लोग व्यवस्था रखेंगे। जी हाँ, जो सुझाव दिए गए हम लोगों ने नोट कर लिए हैं और उन पर अमल किया जाएगा, पुलिस प्रबंध ठीक रहेगा और सब लोग अच्छे से त्यौहार मनाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी।